ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन सेंस। दिस इज भावना शर्मा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और थंबनेल से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किसके ऊपर बेस्ड है। यस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने ब्रा के साइज को पता कर सकते हैं। ये वीडियो हर उस औरत के लिए, हर उस टीनेजर के लिए है जिसे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी ब्रा का साइज क्या है और अभी तक वो गलत साइज पहनती आ रही हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए एंड आई होप कि आपको पसंद भी आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, डिड यू नो दैट 80% Indian women wear ill-fitting bras as they don't know how to measure their bra size properly. 80% Indian women, my God, कितनी ज़्यादा percentage है। So अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि अपनी bra का जो measurement है वो कैसे लेना है या फिर आपका जो right size है वो क्या है, तो इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिएगा ताकि आप जो है इस इन्फॉर्मेशन से कोई फायदा उठा सके। अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में काफी हद तक जानते हैं सो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने सिस्टर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें इन चीजों की नॉलेज हो सके। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा जो नॉलेज है वो स्प्रेड होगी और इससे किसी ना किसी का भला ही होगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जैसे कि मैं हमेशा ही आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो एंड हिट द बेल आइकन टू सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस ऑन टाइम। और अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो नोइंग योर करेक्ट ब्रा फिटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग द परफेक्ट ब्रा फिटिंग। मीन्स अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो फिटिंग है वो अच्छी आए, आप जो कपड़े पहनते हैं उस पर आपकी जो फीचर्स हैं वो अच्छे से उभर कर आए, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सही साइज की ब्रा पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका बाहर से जो फिगर है वो अच्छा नज़र आता है, लेकिन अगर आप गलत साइज की ब्रा पहनते हैं तो उससे क्या होता है, हर चीज जो है आपकी डिसबैलेंस हो जाती है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी ब्रा सेलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्रा का साइज क्या है। सो मोस्टली लेडीज के साथ क्या होता है कि जब उन्हें अपनी ब्रा का साइज नहीं पता होता है तो सिर्फ आइडिया लेकर ही वो अपनी ब्रा खरीद के ले आती हैं और उन्हें पहनकर छुट्टी करती हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक ऐसी चीज है, आई मीन टू से हमारा इनर वेयर एक ऐसी चीज है जिस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। मोस्टली जो वीमेन्स हैं वो इस पर ध्यान नहीं देती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 80% इंडियन वीमेन जो है वो रॉन्ग साइज पहनती हैं ब्रा का, जिस कारण से उनका जो फीचर है, उनका जो फिगर है वो बहुत ज्यादा बेटोल नजर आता है। एक अच्छी फिटिंग के लिए, एक अच्छे फिगर के लिए इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ब्रा के साइज को जो है अच्छे से मेजर करें और उसके बाद जाके उसे या तो ऑनलाइन या फिर मार्केट से जाके जो है डायरेक्टली परचेज करें। पर अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका राइट साइज क्या है तो फिर आप कैसे अपने लिए कोई अच्छी सी ब्रा खरीदेंगे। राइट साइज का पता होना बहुत जरूरी है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यही सारे टिप्स जिससे कि आपको पूरी नॉलेज होगी और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपने लिए ब्रा खरीदेंगे तो बिल्कुल करेक्ट साइज में ही अपना ब्रा खरीदेंगे। एंड यू नो व्हाट, कैलकुलेटिंग द ब्रा साइज इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बहुत ही आराम से आप घर पर ही इसे मेजर कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आपका जो राइट साइज है ब्रा का वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ मेजरिंग टेप मिरर एंड यू शुड वेयर अ वेरी फिटेड नॉन पैडेड ब्रा। ओके, सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपको एक मेजरिंग टेप लेनी है, शीशे के सामने खड़ा होना है और कोई भी ब्रा जो कि नॉन पैडेड हो, जिसमें पैड ना हो, नॉर्मल ब्रा हो, वो आपको पहननी है। सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्रा का जो बैंड साइज होता है, अब बैंड साइज क्या होता है, जो आपका नीचे वाला पोर्शन होता है लाइक ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर आपने मेजरिंग टेप को लगाना है और अच्छे से
मेजर करके देखना है कि वहां पर आपका जो साइज है वो क्या आ रहा है। सो नीचे का जो भी नंबर आपका आता है आपने उस नंबर को एक पेपर में लिख लेना है। ध्यान सिर्फ आपने ये रखना है कि अगर वो नंबर आपका इवन नंबर आ रहा है तो आपने उसमें 4 ऐड कर देना है, यानी 4 नंबर और ऐड कर देने हैं। और अगर वो नंबर आपका ऑड आ रहा है तो उसमें आपने 5 नंबर्स ऐड करने हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं साइट में आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने मेजरमेंट लेनी है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने अपना बैंड साइज नापा और बैंड साइज जब आपने नापा तो उस समय आपका जो नंबर है वो आया है 32, विच इज इवन नंबर। ओके, सो 32 अगर आपका आता है तो उसमें आपने 4 नंबर ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 32 + 4 = 36। तो उसे आपने जो है कॉपी में लिख लेना है, अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और अगर आपका जो है साइज नीचे 32 ना आकर मान लीजिए लाइक 31 आ जाता है तो 31 जो है उसमें आपने 5 ऐड कर देना है। सो 31 में जब आप 5 ऐड करेंगे जो कि आपका ऑड नंबर होगा तो वो आपका एड ऑन करके क्या बन जाएगा, 36। तो इस तरह से आपने अपने बैंड साइज को नापना है जो कि बिल्कुल नीचे होगा। एक बात का जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखना है। मेजरिंग टेप को आपने बिल्कुल आराम से नीचे की तरफ रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसे बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है और बहुत ज्यादा लूज नहीं रखना है। और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपका इवन नंबर आता है तो उसमें आपने 4 ऐड करना है और अगर ऑड नंबर आता है तो उसमें आपने 5 ऐड करना है। ये है आपका फर्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब आपको अपने बस्ट के ऊपर वाले पोर्शन में यानी ओवर बस्ट या फिर आप बोलेंगे कप साइज का जो पता करना है उसके लिए यहाँ पर आपने मेजरिंग टेप को लगाना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था आपका बैंड साइज और उसके बाद आपने अपने अपर बस्ट पे जो है इंच टेप को रखना है जो कि अगेन आप बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा लूज नहीं रखेंगे। यहां से आपने लेकर आना है और ऐसे मेजर करना है। साइट में मैं आप लोगों के साथ एक पिक शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से आपने मेजर करना है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहती हूँ कि ब्रा के ऊपर आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी दूसरा जो आउटफिट है वो आप ना पहने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ब्रा के ऊपर आपने डायरेक्टली जो है मेजरिंग टेप से मेजर करना है, कोई और कपड़ा आप उसके ऊपर मत पहनिएगा। सो अब आपने क्या करना है, जब आप अपने ओवर बस्ट को मेजर करेंगे तो उसका भी आपने जो ओवरऑल नंबर आएगा, जो होल नंबर आएगा वो मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने ऊपर से जब मेजरिंग टेप रखी अपने बस्ट पे तो वहां पर आपका जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 32 या 31 या 33, जो भी नंबर आ रहा है उसको आपने जो है होल नंबर में लिख लेना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका नंबर बाय चांस 32.5 आ रहा है तो उसका जो होल नंबर है वो हो जाएगा 33, राइट? अगर आपका 31.2 आ रहा है तो उसे आप होल नंबर में 31 ही रखेंगे, लेकिन अगर 0.5 या उससे ऊपर आ रहा है तो उसका आपने होल नंबर जो है वो कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 31.2 आया है तो उसको आप 31 ही मानेंगे, लेकिन अगर 31.5 या 31.6 आया है तो उसे आप 32 मान के होल नंबर में लिखेंगे। ठीक है, जब आपने ये दोनों चीजें कर ली उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, अब आपने क्या करना है, अपना जो ओवर बस्ट वाला आपका मेजरमेंट था और जो बैंड साइज वाला मेजरमेंट था इन दोनों को आपने माइनस करना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका ऊपर वाला जो यानी जो बस्ट साइज वाला मेजरमेंट है वो आपका 36 आया है और नीचे वाला आपका 34 आया, यानी बैंड साइज वाला अगर आपका 34 आया है तो 36 में से आपने 32 को माइनस करना है। सो 36 माइनस 32 आपका जो आंसर आया वो हुआ 4। सो 4 नंबर अगर आपका आता है तो आप देखेंगे कि 4 नंबर जो है वो उसमें आपका कप साइज बता रहा है, तो 4 नंबर जो है वो आपका किस में आ रहा है, ए बी सी या डी, तो ऑब्वियसली जो 4 नंबर है वो आपका डी में आएगा। इसी तरह से अगर आपका माइनस करने से 1 आ रहा है तो आपका कप साइज जो है वो ए हो जाएगा, अगर 2 आ रहा है तो आपका कप साइज जो है वो बी हो जाएगा, अगर 3 आ रहा है तो आपका कप साइज जो है वो सी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके नंबर्स जो है बढ़ते रहेंगे। सो ये होता है आपका कप साइज का मेजरमेंट। जो बैंड साइज होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो होता है आपका
ब्रा साइज, ठीक है, कि आपने कौन से साइज की ब्रा लेनी है। मान लीजिए अगर आपने पैंट साइज को मेजरमेंट किया है और उसमें आपका 32, 36 जो भी नंबर आ रहा है या 34 आ रहा है, तो वो आपका ब्रा साइज है। और कप साइज निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो ओवर बस्ट या जो आपका कप साइज जो ऊपर आया है ओवर बस्ट में जो आपने मेजरमेंट ली थी वो, और बैंड साइज में से जो नंबर माइनस किया है उसमें से आपने अपना कप साइज निकालना है। एंड आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरह से आपने अपना कप साइज निकालना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो मेजरमेंट है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपने अपना ब्रा साइज निकालना है एंड देन उसके बाद अपना कप साइज निकालना है। एक बार अगर आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन क्लियर हो जाए, देन आई एम श्योर कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट जाएंगे या ऑनलाइन अपने लिए कोई चीज़ परचेज करेंगे तो अपनी जो ब्रा का साइज है वो बिल्कुल करेक्ट लेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ येस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फैशन सेंस ऑल्सो एंड हिट द बेल आइकन टू सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज ऑन टाइम। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।